अयोध्या की पावन धरती का यह चूड़ामणि चौराहा आप देख सकते हैं कि एक किस तरीके से आकार में इस चौराहे को सजाया गया है और राम 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 सब जगह यहीं पे लिखा गया है। दाहिने साइड पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे स्वागत करती हुई फोटो लगी हुई है जिसमें मोदी जी हैं और योगी जी हैं, यानी इस धरती पे राम और लक्ष्मण की चर्चा हमेशा होती है और आज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि राम और लक्ष्मण आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। ये रास्ता सीधे अगर आप जाएंगे तो राम जन्मभूमि को रास्ता जाएगा। इस रास्ते को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि मेरे साथ चलें और दिखाएं कि वहाँ पर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। वहाँ पर करीब 100 मजदूर सुबह से लगे हुए हैं, उनका काम सिर्फ इतना है कि ये मार्ग सुंदर कैसे दिखे। उसके लिए वहाँ पे गमलों में मिट्टी डाली जा रही है, पौधे तरह तरह के लगाए जा रहे हैं और इनकी योजना ये है कि पूरे शहर को इस तरीके से सजा दो कि यहाँ पे आने वाला हर कोई कहे कि ये राम का शहर अयोध्या है। आप देख सकते हैं तरह तरह के फूल, सुबह में देख के और क्या चाहिए, राम की पावन धरती पे फूल, फूल के साथ साथ किस तरीके से इसको गमले में सजाया जा रहा है और इनको सब जगह रास्ते पे रख दिया जाएगा, इनकी रखवाली की जाएगी ताकि ये हमेशा की तरह खिलते रहें और सुंदर दिखे। आप लोग चार दिन हो गए हम लोग को यहाँ पर काम करते हुए, ये तो पूरा हम लोग को यहाँ फ्लाईओवर से लेकर और लास्ट तक होना है, कम से कम 5,000-6,000 गमले यहाँ लगेंगे और बीच में डिवाइडर यहाँ भरा जा रहा है पूरा। उसके बाद हम लोग का एयरपोर्ट वाला होगा, पूरा एयरपोर्ट का पूरा हम लोग को सजाना है और वो है ना धाम पत्र जो है वहाँ भी पूरा करना है हम लोग को। तो आपने सुना कि इनको करीब 5,000 गमलों को सजाने की जिम्मेदारी दी गई है जिसको सजाया जा रहा है और पूरे इलाके में उन्होंने ये भी अपडेट किया कि करीब 20,000 गमला लगाया जाएगा। तो आप देखिए कि 20,000 गमले को जब सजा दिया जाएगा और सतरंगी लाइट लगाई जाएगी, जो रात में हम आपको दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि सतरंगी लाइट दिखाई जाएगी तो अयोध्या कैसी दिखेगी। आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर फूल कैसे इनको सजाया जा रहा है और कोशिश ये है कि बिल्कुल साफ सुथरी शहर दिखे। गमलों में सबको लगा दिया गया है, पानी डाल दिया गया है, डाल दिया जाएगा इसकी भी व्यवस्था की गई है और कोशिश इस बात की है कि कोई यहाँ पे आए तो ये ना कहे कि भगवान राम की नगरी में गए थे लेकिन सब कुछ वीरान दिखा। पूरी तरीके से साजो सज्जा से इसको सजाया जा रहा है और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी में चाक चांद लगाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शरद बारिक के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।